सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान का जोर दुनिया देख रही है और इसी के साथ ही एसआरके की फिल्म अब 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रही है और फिल्म ने देश भर में अब तक 615 करोड़ रुपए का बटोर लिया है। और वहीं वर्ल्ड वाइड शाहरुख खान की फिल्म कलेक्शन 998 करोड़ रुपए रहा है। अब एसआरके की पठान इतिहास रचने जा रही है। पठान 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है और ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म होगी जो बिना चीन में रिलीज हुए 1000 करोड़ का आंकड़ा छुएगी। माना जा रहा है कि शाहरुख खान की ये फिल्म आज यानी सोमवार को 1000 पार कर जाएगी। बता दें आपको कि विदेशों में पठान ने अपने चौथे हफ्ते में ही लगभग 1.10 मिलियन की कमाई कर डाली थी। इसके साथ ही अब फिल्म ने ही ओवरसीज 46.75 मिलियन यानी कि 383 करोड़ रुपए की कुल कमाई कर ली है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अब पठान का टाइम आउट हो रहा है, बावजूद इसके मार्केट में अभी भी शाहरुख की फिल्म के कमाई करने के आसार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि शाहरुख की फिल्म 48.50 मिलियन तक का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है और इतना ही नहीं, बॉक्स ऑफिस पर लंबी कमाई के बाद बांग्लादेश में भी फिल्म धमाकेदार कमाई जुटा सकती है। बताते चले कि पठान बॉलीवुड बिजनेस में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी है और ऐसे में इस फिल्म ने अपने दम पर जबरदस्त कमाई कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शाहरुख की फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इतिहास रचा है। पठान ने ऑस्ट्रेलिया में 4 मिलियन और न्यूजीलैंड में 1 मिलियन कमा डाले हैं और इसी के साथ ही एसआरके की फिल्म विदेशों में दमदार कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। शाहरुख खान ने करीब 4 साल बाद फिल्म पठान से धमाकेदार वापसी की है। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान का दुनिया भर में बाहें खोलकर स्वागत किया गया। शाहरुख की फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस पठान को लेकर बेहद एक्साइटेड थे और ये खुशी थिएटर्स में बराबर देखने को मिली। क्लाइमैक्स में सिनेमा घरों का नजारा देखने लायक था। फैंस शाहरुख खान के गानों पर थिएटर्स में झूमते दिखाई दिए हैं।